नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए फिर से सोकताबा ब्रिज। आज क्या बहुत हैवी बारिश हुआ है दोस्तों रात से ही, तो हमने जो डाइवर्जन बनाया था जिसमें 170 पैप हमने डाले हैं, उसमें क्या उसके ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी का फ्लो बहुत आ गया और क्या उसमें अपना कचरा बहुत आ गया, आगे जो पाइपों के आगे लग गया है, तो पाइप के आगे कचरा लगने की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे जगह, आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना जाम है भाई, देख सकते हैं आप ये फ्लो है, देखिए वो कचरा फंसा हुआ है ऐसे पाइप के आगे लग गया, जो क्या ज़्यादा पानी आने की वजह से। दोस्तों अभी कुछ ही दिन हुआ है जो ट्रांसफार्मर यहाँ फंसा था, निकल गया अभी तो यहाँ से, ये देख सकते हैं पूरा कचरा आगे फंसा हुआ है, ओकलैंड से निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक दोस्तों पूरा जाम है दोनों साइड, ये देख सकते हैं आप ब्रिज के ऊपर जो दोस्तों ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं आया, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यही हुई है वो जो कचरा है ना वो पाइपों के आगे लग गया है, तो कचरा पाइप के आगे लगने की वजह से पूरा पानी ऊपर से जा रहा है, अगर कचरा साफ हो जाएगा तो पानी पूरा नीचे से निकल जाएगा। ट्रैफिक पूरा जाम है, हमारे ऑपरेटर है शेखर, निकालने की कोशिश कर रहा है, ऊपर भी आगे कुछ फंसा है जो अपने सलिए लगे हुए ऊपर जो साइड में, उसको आगे कुछ फंसा हुआ कचरा, उसको निकालने की कोशिश करता है, और पाइप के आगे आगे अगर नीचे बीच में बकेट लगा रहा है, कहाँ जो कोई मोटा कहीं ज़्यादा कचरा फंसा हो वो निकाल दिया जाए जिससे पानी का आराम से निकल जाए नीचे से। देख सकते हैं आप कितना पानी ने कितना रुद्र रूप अपनाया हुआ है दोस्तों। यो ब्रिज है हमारा सरदार में, लगभग अभी इसका पेडस्टल कंप्लीट हो गया है एक साइड का, और लेकिन एक साइड का अभी बचा है दोस्तों, आप देख सकते हैं और पियर दोनों हो चुके हैं कंप्लीट अपने, लगभग एक लिफ्ट बाकी है सिर्फ, एक का एक और एक का दो देख सकते हैं आप। तो ये ट्रांसफार्मर अगर दोस्तों यहाँ पे रहता तो सोच सकते हैं आप क्या कंडीशन हो जाती है उसकी, मेरे को तो लगता कभी निकल नहीं पाता क्योंकि पूरा कीचड़ से भर जाता हूँ, बाद में तो यहाँ कोई ना मशीनरी या कोई कुछ भी नहीं जा सकता था, तो निकल गया इससे पहले वो बहुत अच्छी बात है वो निकल गया है, लेकिन अभी दोस्तों इसी इंतज़ार में लगे हुए सारे दोस्त कि पानी कब नीचे इसके ब्रिज के नीचे से जाए और ऊपर से ट्रैफिक चालू करें हम। ये देखिए ओकलैंड वाला हमारा नीचे अपना बकेट डाल के देख रहा है कहाँ कहाँ कचरा फंसा है, कोशिश कर रहा है कि उसको कचरे को साफ किया जाए और पानी नीचे से निकल जाए। साइड से देखो दोस्तों आप, यहाँ पे सर दोस्तों कचरा हो चुका है एक, क्या जो जहाँ तक अपना रिटर्निंग वाल था वहाँ तक तो कंप्लीट है, उसके आगे का पानी यहाँ तक आया था, जहाँ तक देखते हैं दुनिया यहाँ खड़ी है, तो यहाँ तक पानी आया था, उसने क्या है मिट्टी को पूरा खार लगा दिया है, तो कम से कम मान के चलो 2 से 3 मीटर डामर के नीचे का मिट्टी भी खिसक चुका है यहाँ पे, तो जो बहुत ही संकट का विषय है ये। तो ये साइड से भी ऐसा हुआ देख सकते हैं दोस्तों, वो साइड से भी ऐसा, ये देखिए वो साइड से भी ऐसा ही हो चुका है, तो वन वे सिर्फ जब भी ट्रैफिक चालू करना पड़ेगा, एक साइड का जो देख रहे चिट्टा पट्टी है उसके ये साइड का पूरा बंद कर देंगे, एक साइड का ही चालू रखेंगे, तो क्या मिट्टी को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी कोई दब गई या कुछ हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वन वे ट्रैफिक चालू, पहले एक साइड का ट्रैफिक छोड़ेंगे फिर दूसरी साइड का। पानी नहीं देख सकते आप कितना रोस्टर रूप बनाया हुआ है, कचरा जितना था दोस्तों निकाल दिया है, अभी क्या है नीचे अभी पानी में इतना पता भी नहीं चल रहा है कहाँ कचरा है कहाँ क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं को पानी थोड़ा डाउन, अभी बहुत कम हो चुका है दोस्तों, यहाँ तक पानी था, अभी यहाँ देख सकते हैं बहुत कम हो चुका है अभी तो पानी, अभी कम से कम एक घंटे तक हो सकता है ये ब्रिज के नीचे आ जाए पानी, तो आज फिर से एक बार ट्राई मारेंगे जो कचरा फिचरा है वो साफ़ करके पानी निकल जाएगा। भाई देख सकते हैं आप ट्रैफिक हो गया चालू, ऊपर का ब्रिज का पानी हो गया क्लियर और कचरा कुचरा जितना हमने निकाल दिया, बाकी अब देखेंगे नीचे थोड़ी देर बाद। भाई ये देख सकते हैं आप मेन वजह इसकी पानी ओवरफ्लो होने की, ये देख सकते हैं आप कचरा कितना फंसा हुआ, देखिए ये कचरा फंसा हुआ है कुछ तो निकाल दिया हमने, ये देख सकते हैं दोस्तों आप ये कचरा फंस गया पाइपों में जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया, नहीं तो पानी पूरा नीचे से जा सकता, अभी तो वैसे ट्रैफिक चालू हो गया है लगभग ट्रैफिक खत्म होने पे आया है, निकल रहा ट्रैफिक दोनों साइड से बड़े आराम से, तो ये मेन दिक्कत आ गई दोस्तों यहाँ पे, ये जो कचरा है ऐसा अभी क्या है फर्स्ट बारिश बहुत हैवी हुआ है ये,
जिसकी वजह से जो भी पूरे एक साल का कचरा पचरा जो भी नदी में था पूरा बह के आ गया और यहाँ पे फंस गया पाइप में आके। अभी तो हमने निकाल दिया है, हो सकता अभी आगे तो नहीं आएगा क्योंकि जो कचरा आना था हाल ही अभी फंस में, क्योंकि बहुत हैवी बारिश हुई है दोस्तों, पूरी नाइट बारिश हुई है, अभी दिन में भी कम से कम ये 8 बजे तक लगी रही बारिश। तो दोस्तों ट्रैफिक हो गया चालू, अभी पूरा स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ब्रिज को कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का डैमेज हुआ है वो हो जाएगा ठीक। ये साइड से आप देख सकते हैं थोड़ा मिट्टी भरा है और वो साइड से थोड़ा, तो दोनों ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई अपने आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही।